माय यूट्यूब चैनल में गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको कॉपी क्यों करते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि ऐसी क्या खास बात है जो लोग आपकी कॉपी करते हैं, आपकी नकल करते हैं। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। गाइस, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। ठीक है, और जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं, आप दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। और टाइमलेस है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसी कोई नई वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैंने अबाउट सेक्शन में अपना इंस्टा हैंडल लिंक कर दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं भाई क्यों लोग आपको कॉपी करते हैं, आपकी नकल करते हैं। बहुत पैशनेट हो, बहुत एनर्जेटिक हो। ओके, वांट्स की ही कार्ड्स आ रहे हैं क्या? द फूल, फायर साइन ज़्यादा आया है। ठीक है, देन वाटर साइन, ठीक है, वाटर साइन एंड देन अर्थ साइन एंड देन एयर साइन। ठीक है, साइन यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, वाटर साइन भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, ठीक है, एरिस, लियो, सैज, फायर साइन और एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे साइन अवेलेबल हैं तो साइन पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपकी डेट बता देती हूँ जो आपसे रेजोनेट करती होंगी। हाँ, 777 आपको दिख रहा हो, ऐसा हो सकता है अभी रिसेंट में आपको 777 बहुत दिख रहा हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 7 of Wands भी आया है, 7 of Pentacles भी आया है, 7 of Cups भी आया है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, या तो आपका डेस्टिनी नंबर होगा या आपका पर्सनालिटी नंबर होगा 7। ठीक है, ऐसा हो सकता है नेम प्लेट में कुछ हो ऐसा। ठीक है, 7 नंबर हो सकता है या रिसेंट में 777 एंजल नंबर बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, 10 हो सकती है आपकी बर्थ डेट, 1 हो सकती है, 11 हो सकती है, ठीक है, 6 हो सकती है, 24 हो सकती है और 16 हो सकती है, 15 हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई लोग आपको कॉपी करने का क्यों सोचते हैं, क्यों कॉपी करते हैं। सबसे पहले तो बता दूँ ना कि आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ही आप में एनर्जी है। आप, मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा ही एक ऐसे पर्सन हो जिसमें बहुत कंपैशन है, बहुत एनर्जी है और बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो लोग ना ट्राई करते हैं आपकी एनर्जी को ना मैच करने का, बट वो कर नहीं पाते। वो कोशिश करते हैं, कॉपी बहुत करते हैं आपकी तरह काम करने का, आपकी तरह फुर्ती दिखाने का, आपकी तरह मैं कहूँ तो एनर्जी दिखाने का। ठीक है, आपकी तरह एक एनर्जेटिक पर्सन बनने का, बट वो नहीं बन पाते। ठीक है, वो बहुत ट्राई करते हैं कि आपकी तरह ना ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ। आप जिस तरह 10 जिम्मेदारियाँ अपने सर पे लेके घूमते हो ना, वो ट्राई करते हैं कि हाँ हम भी दिखाएं कि हम पे भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली की, ऑफिस की,
घर वालों की और बाहर वालों की, लेकिन उस तरीके से ना हो नहीं पाता, ठीक है। कोशिश तो बहुत करते हैं कि आपको कॉपी करके दिखाएं, आपकी तरह ना बन के दिखाएं, आपको पूरा मन में टक्कर दें, बट वो कर नहीं पाते, ठीक है। साथ ही ना लोगों को ना ये बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, शार्प माइंडेड हो और दिमाग के इतने तेज हो कि आपको पता है कि हाँ मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ मुझे अपना फाइनेंस इन्वेस्ट करना है, कहाँ मुझे अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं, ये आपको बखूबी पता है, ठीक है। आप ज़्यादा ना चीज़ों में फंसना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो लोगों को ना ये लगता है कि हाँ हम भी है ना इसी तरह करके दिखाएंगे, बैलेंस बना के दिखाएंगे, और हमें भी ना लोग उतना ही अप्रिशिएट करेंगे, या हमें भी ना लोग ऐसे ही समझेंगे कि हाँ ये बहुत दिमाग का तेज है। मतलब आपको ना पूरा पूरा कॉपी करने का ट्राई करते हैं कि हाँ आप किस तरीके से आपने फाइनेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरह अपना फोकस हर चीज़ में आप कर रहे हो, ये चीज़ वो बहुत ट्राई करते हैं कॉपी करने का, बट वो कर नहीं पाते, ठीक है। ट्राई वो पूरा करते हैं, ओरिजिनल हमेशा एक रहता है, ये बात मैंने कितनी रीडिंग में बोली है, ओरिजिनल हमेशा वन ही होता है, ठीक है। बाद में तो उसकी कॉपियाँ ही बनती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो चीज़ है आपके अंदर, जो यूनिवर्स ने भेजी है, जो आपको अपने घर वालों से संस्कार मिले हैं, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में आप रहे हो, जिस तरीके की आपने अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, कितना भी कोई ट्राई कर लेना कॉपी करने का, वो उसे कॉपी नहीं कर पाएगा। कुछ परसेंट कॉपी कर लेगा, 100% कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको ना ये चीज़ क्लियर है कि हाँ ये पर्सन मेरे लायक है, तो मैं इस पर अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, सब कुछ मैं इस पर लगाऊंगा, ठीक है। आपको ये अच्छे से पता है। अब दूसरा पर्सन तो कॉपी कर रहा है, अब वो किसके साथ डील कर रहा है, वो पर्सन तो अलग होगा ना, सही बात है ना, तो वो तो अलग होगा। तो फिर वो ट्राई करता है कि हाँ आपकी तरह पूरा बिहेव करे उसके साथ, आपकी तरह वो सब कुछ करे, लेकिन वो कर नहीं पाता होगा, फिर वो हार जाता है। ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों को ना आपका जो ये हरफन मौला है ना कि हमेशा रिलैक्स रहना, कोई भी प्रॉब्लम आई है उसको एकदम ठंडे दिमाग से सॉल्व करना, ज़्यादा पैनिक नहीं करना, ठीक है, बुरी सिचुएशन में, तो ये चीज़ ना लोग बहुत कॉपी करने का ट्राई करते हैं कि आप कैसे इतने रिलैक्सिंग मोड में रहते हो, कैसे आप हर वक्त हर मोमेंट को जीने का सोचते हो, कैसे आप ये सोच लेते हो कि नहीं यार सिचुएशन तो अच्छी बुरी हर तरीके की आती है, इंसान अपनी लाइफ जीना थोड़ा ना छोड़ देता है। तो आप ना जो इस तरीके से जीते हो ना, इस उस पे रहते हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ जीनी है, जो मुझे अपनी लाइफ में करना है ना वो मैं करके रहूँगा और वो चीज़ मैं अचीव करूँगा जो मुझे अचीव करना है। तो लोग ना ये चीज़ कॉपी करने का ट्राई करते हैं कि हाँ आपकी तरह रिलैक्स घूमें, आपकी तरह हर सिचुएशन को अच्छे से डील कर लेंगे, अच्छे से हैंडल कर लेंगे, बट वो कर नहीं पाते, वो एक स्टेप आगे ले लेते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है अगर मैं गिर गया ना तो मैं उठना भी जानता हूँ, ठीक है, आपको ना ये पता है। द फूल में ना यही दिखाया है कि ये एक स्टेप ले गया ना तो ये गिर सकता है, लेकिन उस गिरने के डर से आप वो नई चीज़ एक्सप्लोर करना तो नहीं छोड़ दोगे ना। हर चीज़ में, हर एक्शन में रिस्क होता है, कोई भी चीज़ अगर आप नहीं करने जा रहे हो ना, वहाँ पे आपको रिस्क दिखेगा। फिर चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हो ना, मैरिज करने का सोच रहे हो ना, तो आपको भी रिस्क ही लगेगा, क्या मैं इसके साथ रह पाऊँगा। जब आप उस रिस्क को ले लेते हो ना, उस स्टेप को ले लेते हो, फिर जब वो आगे लाइफ इतनी अच्छी स्मूथ चल रही होती है ना, तब आप सोचते हो कि हाँ जो मैंने स्टेप लिया था वो अच्छा था, जो मैंने उस वक्त रिस्क लिया था वो बिल्कुल बेस्ट था मेरे लिए। आप जानते हो उठना, इसलिए आपको पता है कि अगर मैं गिर जाऊँगा तो मैं उठ जाऊँगा, लेकिन वो इंसान तो आपको कॉपी कर रहा है, चलना तो जानता है बट वो गिर गया तो उठेगा कैसे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई गिर जाएगा वो आपकी तरह तो उठेगा कैसे, तो वही है, वो कॉपी तो आपको पूरा करने का ट्राई करते हैं बट वही है कि वो फिर गिर भी जाते हैं क्योंकि अच्छे से कॉपी नहीं किया था ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है कहते हैं ना, तो वो यही है कि
नकल कर रहे हो ना तो पहले सोच लो भैया कि नकल कर रहे हो ना तो किस जगह कर रहे हो, जो कर रहे हो वो सही है भी या नहीं। ठीक है, एक और चीज़ लग रही है मुझे नाइट ऑफ सोर्स से कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो बहुत फास्ट तरीके से ना हर सिचुएशन को डील कर लेता है। आपके अंदर ना जल्दी है, हर काम को करने की ना एक जल्दी है। ठीक है, तो आपको ना ये पता है, हाँ मेरी ये ना गलती है कि मैं बहुत जल्दी करता हूँ। ठीक है, आपको ये पता है अच्छे से गाइस। अच्छा आता है ना तो बुरा भी आता है, और उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और नहीं रेजोनेट करे ना तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। ठीक है, पहले ही बोल रही हूँ मैं, इसलिए आपको ना पता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा जल्दी करते हो, जल्दबाजी करते हो हर चीज़ में एक्शन लेने की। ठीक है, और आपको पता है कि ये मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत जल्दी हड़बड़ी कर देता हूँ, और कहीं ना कहीं वो मुझे भुगतना भी पड़ता है। ठीक है, लेकिन कॉपी करने वाला तो भाई कॉपी कर रहा है, आपको हर चीज़ में कॉपी करेगा वो तो। ठीक है, क्योंकि वो आपसे ही तो सीख रहा है, आप ही को तो कॉपी कर रहा है। अब नकल के लिए अक्ल चाहिए, मे भी शायद उसमें अक्ल ना हो, तो वो ना आपकी तरह कॉपी। हाँ जल्दी करना है, सब कुछ जल्दी करना है, रिलेशनशिप में जल्दी, फाइनेंस में जल्दी, करियर में जल्दी, तो फिर क्या होता है, वो गिर ही जाता है। ठीक है, वो गिर ही जाता है, और आपको ये रहता है कि हाँ मैं गिर जाऊँगा, हाँ मैं गिर जाऊँगा। कहीं ना कहीं आप भी गिरते होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी गिरते होंगे उस जल्दबाजी के चक्कर में। बट ये है कि आप संभलना जानते हो, आप हर सिचुएशन में ना संभलना जानते हो, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हो। आपको ये अच्छे से आता है, अगर मैंने ये गोल सेट किया है तो इसे मैं पा के रहूँगा, इस गोल को अचीव करके रहूँगा। ठीक है, लेकिन वही है कि जो कॉपी कर रहा है वो शायद उतने अच्छे से ना करे। ठीक है, उसे नुकसान उठाना पड़ जाता है उस चीज़ का। ठीक है, साथ ही बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपके पास। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, आपका नेचर बहुत अच्छा होगा, आप सबके साथ बहुत फ्रेंडली होंगे, जिसकी वजह से लोग आपकी तरह नेचर कॉपी करने का ट्राई करते हैं। अब मुझे नहीं पता किसके लिए आया ये, बट हाँ ये है कि जैसा आपका नेचर है, सबके साथ हम्बल रहना, छोटे के साथ छोटे की तरह बिहेव करना, बड़े के साथ बड़े की तरह बिहेव करना, लोग हैं कुछ आपके आसपास के जो उस चीज़ को कॉपी करते हैं। और यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है ना आपकी फैमिली में या तो कोई बच्चा है जो आपको ही कॉपी करता है। मे बी आप किसी के लिए ना रोल मॉडल हो सकते हो। ठीक है, कभी कभी एक अच्छा भी होता है जो हमें कॉपी करता है, जैसे हमारी कोई अच्छाई है कि हाँ सबके साथ हम्बल रहना, सबको काइंडनेस के साथ ट्रीट करना, सबकी हेल्प करना। ठीक है, तो आपके अंदर वो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे या आपके छोटे भाई बहन आपको कॉपी करते हैं। ठीक है, कि नहीं मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, या जो भी आपके रिलेशन में है, मेरे मम्मी, मेरे पापा, जो भी हैं। ठीक है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, जो भी हैं आप, ठीक है, आपके जो छोटे होंगे ना वो आपको इसलिए कॉपी करते हैं, जो आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़, अच्छा जो आपका नेचर है ना, वो कॉपी करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें आप जैसा बनना है। ठीक है, जिस तरीके से आप हर सिचुएशन को हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप फोकस्ड रहते हो हर गोल को अचीव करने के लिए, वो चीज़ वो कॉपी करने का ट्राई करते होंगे। और मे बी ऐसा हो सकता है किसी किसी को ना कॉम्प्लीमेंट भी मिलता होगा कि अरे आपका बेटा है, आपकी बेटी डिट्टो आपकी तरह है, बिल्कुल आपकी कॉपी है, आप जैसा ही नेचर है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा हो, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कभी कभी हम बच्चों से भी सीख जाते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे ही हमसे सीखेंगे, कभी कभी हम बच्चों से भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा ही हमें सिखाता है, हम बच्चे हैं तो हम छोटे हैं, हम सिर्फ सीख सकते हैं, हम सिखा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो हमें छोटों से भी सीखना चाहिए। ठीक है, उनकी जो मासूमियत होती है ना, कभी कभी वो हमारे अंदर के बच्चे को ज़िंदा कर देती है। या गाइस मुझे यही दिख रहा है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा किसके साथ रेजोनेट की। तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। यहाँ पे रीडिंग में एनर्जी पिक करने में बहुत इजी रहता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और सिर्फ बहुत कम ही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो गाइस ये बहुत गलत है। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई कंप्लेन नहीं है आपसे, बट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।